حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات الله پچھلے شب جمعہ میں اسی آیہ وافی ہدایہ کے ذیل میں آپ کی خدمت میں دعا سے متعلق عرض کیا تھا کہ دعا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، طریقے سے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، روزے کا حکم دیا ہے، زکوٰۃ اور خمس اور حج کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے دعا کا باقاعدہ حکم دیا ہے کہ دعا کرو، دعا مانگو، تم ہم سے سوال کرو، تم ہم سے کچھ کہو، باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ادعونی، تم مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، مجھ سے دعا کرو، میں اسے قبول کروں گا، میں تم کو دوں گا. اور دعا سے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کی کچھ شرطیں ہیں، اور جن میں طہارت ہے، رو بقبلہ ہونا ہے، دعا سے پہلے صدقہ اور خیرات دینا ہے، دعا سے پہلے توبہ اور استغفار کرنا ہے، دعا سے پہلے لوگوں کو راضی کرنا اور خوش کرنا ہے. یہ ساری شرطیں ہیں دعا کی قبولیت کے لیے. اس کے علاوہ بھی اور بھی شرطیں ہیں. اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کی شرطوں میں کچھ جگہیں ہیں، جیسے خود خانہ خدا، حرم الہی، مدینہ منورہ، رسول روضہ رسول، یا اسی طریقے سے جنت البقیع، امام حسین کا حرم، اور دوسرے معصومین علیہ السلام کے حرم، چاہے وہ نجف ہو، قازمین ہو، سامرہ ہو، خراسان ہو. تو یہ جو مقدس مقامات ہیں، یہ سب مقدس جگہیں ہیں، یہ دعا کی قبولیت کی جگہیں ہیں. اسی طریقے سے مقدس اور محترم دن ہیں کہ ان دنوں میں انسان دعا کرے. اس طریقے سے غدیر کا دن، بعثت کا دن، یہ سب دن ہیں. عید فطر کا دن، عید قربان کا دن، جن میں دعائیں اللہ سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. ماہ مبارک رمضان کے دن اللہ دعاؤں کو سنتا ہے، دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی طریقے سے کچھ شبیں ہیں کہ جن شبوں میں اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اس طریقے سے شبائے قدر ہے. شبائے قدر کے علاوہ شب عید فطر ہے،
शबे ईद फितर के अलावा शबे बेसत है और मासूमीन अलैहिस्सलाम की विलादत की शबे हैं, शबे जुमा, ये सब दुआओं की कबूलियत के मौके हैं, कबूलियत के औकात हैं। और इन शबों में भी कुछ मखसूस औकात हैं, मखसूस घड़ियां हैं कि अगर उन मखसूस औकात में बंदा अपने रब्स की तरफ तवज्जो करता है, उसकी बारगाह में हाथ फैलाता है, तो दुआओं में असर पैदा हो जाता है, दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। खुसूसन सहर का हंगाम, जो नमाज सुबह से मिला हुआ वक्त है शब का, ये कीमती तरीन अवकात में से एक है, यानी जो सबसे सुनहरे वक्त हैं उनमें से एक, जो नमाज सुबह से मिला हुआ वक्त है, ये जो आखिरी एक घंटा है नमाज सुबह से पहले का, रात का, ये कीमती तरीन साथों में से एक साथ है, कीमती तरीन घड़ियों में से एक घड़ी है, और कीमती तरीन अवकात में से एक वक्त है दुआओं की कबूलियत के लिए, जिसमें रहमत के दरवाजे खुलते हैं, जिसमें अल्लाह अपने बंदों के ऊपर नज़र रहमत करता है, उनकी दुआओं को कबूल करता है। और इन्हीं कीमती शबों और कीमती घड़ियों में अब अगर कोई ऐसी शब आ जाए कि जिसके लिए खुद मासूमीन की ताकीद हो, जैसे लैलतुल रगाइब, जैसे आज ही की शब है, कि जहाँ एक तरफ तो माह मुबारक रजब है, वहीं रजबुल मुरज्जब होने के साथ साथ शब जुमा, और वो भी रजब का पहला शब जुमा, कि जिसके लिए खुसूसी ताकीद है, और इस शब जुमा को कि जिसे लैलतुल रगाइब कहा गया, परवरदिगार आलम अपने बंदों के दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। रजब के महीने में अगरचे पूरे महीने के मखसूस आमाल हैं, मखसूस दुआएं हैं, इस तरीके से आप हर नमाज के बाद उस दुआ की तिलावत करते हैं कि जो हमारे छठे इमाम हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने तालीम दी है, उसके अलावा और भी बहुत सी दुआएं हैं कि जो हर रोज़ पढ़ने की हैं, उसके अलावा मखसूस तारीखों और मखसूस दिनों में पढ़ने की हैं, फिर इसी रजब में मखसूस अवकात की दुआएं हैं। इंसान हकीकत में अगर इन दुआओं की तरफ तवज्जो करे तो इतना बड़ा खजाना और इतना बड़ा ज़खीरा है कि हकीकत में वक्त कम पड़ जाएगा, दुआएं कम नहीं पड़ेंगी, वक्त कम पड़ जाएगा, दुआएं कम नहीं पड़ेंगी, आपको दुआ तलाश नहीं करना पड़ेगी कि अब तुम्हारे पास वक्त नहीं रहा, अब कौन सी दुआ पढ़े, इतनी दुआएं। आमतौर से होता है कि चलो भाई अब तो वक्त पूरा हो गया, अब क्या करें, वक्त पूरा होगा ही नहीं, दुआ वक्त पूरा हो जाएगा, दुआ नहीं पूरी होगी, दुआ नहीं तमाम होगी, इतनी दुआएं मासूमीन अलैहिस्सलाम से मखसूस शबों की, मखसूस तारीखों की, मखसूस दिनों की, मखसूस महीनों की। और ये जो दुआएं हैं इसका एक इस्लाही पहलू भी है, दुआ को हम सिर्फ बउनवान दुआ न लें कि बस दुआ का मतलब ठीक है नमाज के बाद अल्लाह की बारगाह में हमने वो जुमले अदा कर दिए और बस काफ़ी हो गया, और ये फला मर्ज की दुआ है, और ये रिस्क की दुआ है, और ये औलाद की दुआ है, और ये कारोबार की दुआ है, बस हमने पढ़ ली और मिल गया। दुआ खुद हकीकत में अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक राबिते का काम करती है, लेकिन ये राबिता कब होगा, जब हकीकत में उन अल्फाज को कि जिनको आप जबान पर ला रहे हैं, वो अरबी के अल्फाज की जिनको दोहरा रहे हैं, उनकी खुद अल्फाज की तरफ आप मुतवज्जे भी हों, और खुद दुआओं में क्या कहा गया है, दुआओं में क्या बयान हुआ है। बाज दुआएं आप उठाकर देखिए, अक्सर दुआएं मसला कारोबार या रोजगार की दुआ है, तो उस रोजगार की दुआ में किस रिस्क की बात की गई है ये उसमें आपको मिल जाएगा, कौन सा रिस्क। हम कह रहे हैं अल्लाह रोजी दे दे, रोजी दे दे, कौन सी रोजी चाहिए तुमको,
आपको दुआ पढ़िए, दुआ का तर्जुमा देखिए, दुआ में गौर और फिक्र कीजिए, आपको मिलेगा कि इसमें हमको कौन सी रोजी चाहिए। जिस तरीके से अब इमाम ज़माना की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताआ व बौदल मासिया व सिदक़न निया व इरफ़ानल हुरमा व अक्रिमना बिल हुदा वल इस्तिक़ामा। आम तौर से हम क्या समझते हैं कि रिस्क का ताल्लुक खाली माल से होता है, यही तो सोचते हैं। रिस्क यानी माल, रिस्क यानी कारोबार, रिस्क यानी दौलत। जबकि इसी दुआ में अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताआ, माबूद हमें अपनी इताअत का रिस्क दे दे, अपनी इताअत का रिस्क, यानी हम तेरे मुती और फरमा बरदार बंदे बन जाएं। इससे बढ़ के कोई रिस्क हो सकता है? ये भी रिस्क है। तो मैंने अर्ज किया कि हम क्या समझते हैं रिस्क का ताल्लुक खाली दौलत से है, रिस्क का ताल्लुक खाली माल से है, रिस्क खाली खाली बस रोजगार और कारोबार। तो रिस्क खाली दौलत नहीं है, रिस्क खाली रोजगार और कारोबार नहीं है। रिस्क एक बहुत फैला हुआ, एक वसी मफहूम रखता है जिसमें तमाम चीजें आ जाती है। अल्लाह उमर सुखना तौफीक ता, हमें अपनी इताअत का रिस्क। बबोदल मासिया और गुनाहों से बचने का रिस्क दे दे कि हम जिसकी बुनियाद पर अपने को गुनाहों से या हराम से बचा सकें। वसिद्दकन नीयत, हमारी नीयत जो हो ये बिल्कुल पाक हो, नीयत में कोई खराबी ना हो, नीयत में कोई खोट ना हो, नीयत बिल्कुल हमारी पाक हो, नीयत साफ हो। हमारा मकसद न किसी को परेशान करना हो, न किसी को सताना हो, न किसी को नीचा दिखाना हो, न किसी को गिराना हो, न किसी से मुकाबला करना हो। बाबू ये हमारे और तेरे दरमियान की बात है, तू हमारा रब है, मैं तेरा बंदा हूं। हमको पाक नियत दे दे, पाक दिल अदा कर दे। सिदकनिया, नियत की तहारत जो बहुत है, जाहिर जवाब जितने भी हम आमाल अंजाम देते हैं, इन तमाम आमाल का दारो मदार इंसान की नियत के ऊपर होता है। आपकी नियत क्या है, किस नियत से आप कर रहे हो? ये नमाज, ये रोजा, ये हज, ये जक़ात, ये खौम्स, ये जिहाद, ये दुआएं, ये मजलिसें, आप किस नियत से, नियत क्या है आपकी? तो नियत कुर्बत इलाही, नियत खुशनुदी खुदा, नियत रजाए परवरदिगार। और ये कब होगा? जब दिल पाक होगा। इसी को कहते हैं नियत की तहारत। सिद्क निया व इरफान अल हुरमा, और मुझे हराम की पहचान, हराम की ओड़क, कि हम कम से कम हराम को पहचान सकें कि हराम क्या है, इसका रिस्क दे दे हमको कि हम हराम को जान सकें, हराम को पहचान सकें, हराम को समझ सकें। आज न जाने कितनी सुबह से लेकर शाम तक ऐसी चीजें हैं जो हराम है और हम से हो जाती है, जायज नहीं है और हमसे हो जाती है, जिनको मना किया है कुरान ने और मासूमीन हो जाती है। वा इरफान अल हुरमा, माबूद हमें हराम की मारिफत अता कर, हराम क्या चीज है, हराम का इल्म दे दे, हराम की ओड़क, हराम की पहचान, कि हम हराम को पहचान सकें कि हराम क्या है। और इसके लिए भी कहा जा रहा है कि इसका रिस्क दे दे हमको, हराम के पहचानने का रिस्क, अपनी इताअत का रिस्क। अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना तौफीक़त ताआ, गुनाहों से दूर रहने का रिस्क, व बौदल मासिया, सिदक़न निया, हमारी नियत की तहारत का रिस्क, हराम को पहचानने का रिस्क। व अक्रिमना बिल हुदा वल इस्तिक़ामा, और हमें हकीकत में हिदायत और इस्तिकामत की करामत अता फरमा। ये दो चीजें बहुत अहम है। बहुत से लोग हिदायत तो पा जाते हैं लेकिन उनके अंदर इस्तिकामत नहीं होती है। इस्तिकामत का मतलब जमे रहना। जो हिदायत तुमने ली है, जिस ईमान का तुमने इकरार किया है, उस ईमान पे बाकी रहो। हम रोजाना न जाने कितनी मरतबा ईमान से निकल जाते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हम ईमान से निकल गए।
कहते अपने को मोमिन है, कहते अपने को शिया है, कहते अपने को मुसलमान है, लेकिन न जाने कितनी मर्तबा दिन में होता है, हर रोज होता है हमारे साथ, कि हम इस्लाम से निकल चुके होते हैं, हम ईमान से खारिज हो जाते हैं। किस बुनियाद पर? अपने आमाल की बुनियाद पर, अपनी नीयत की बुनियाद पर। नीयत, ईमान क्या चीज है? नीयत ही का नाम तो है भाई। अल्लाह को आपने एक माना, ये जबान से तो इकरार किया है आपने, वरना इकरार दिल से नहीं होता है। ईमान का ताल्लुक दिल से है। जनाब अम्मार का वाकया है कि नहीं? जनाब अम्मार को इन्हीं मक्के के कुफ्फार मुशरिकीन ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद उनसे कहा कि उनको मारना शुरू किया और अजियत देना शुरू की, और रसूलुल्लाह के खिलाफ उनसे कहा कि कहो। इतना मारा और इतनी अजियत दी कि जो कुछ वो कहलवाना चाहते थे रसूलुल्लाह के खिलाफ, वो जनाबे अम्मार ने कह दिया। जनाबे अम्मार कांप रहे हैं, तो कह दिया तो हाँ जाओ 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 जाओ, छोड़ दिया छोड़ दिया। अब उसके बाद जनाबे अम्मार बहुत परेशान हुए कि ये क्या हो गया। रसूलुल्लाह की खिदमत में रोज रोते हुए, या रसूलुल्लाह हमारा तो ईमान खराब हो गया, हमारा तो इस्लाम बर्बाद हो गया, हम खुद बर्बाद हो गए। अम्मार क्या हुआ? कादिनी मक्के के कुफार मुशरिकीन ने हमें पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद इतनी अजियत दी, इतनी तकलीफ पहुंचाई, और जो कुछ वो आपके खिलाफ कहलवाना चाहते थे वो हमारी जबान पर आ गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, ये बताओ अम्मार, जिस वक्त तुम जबान से मेरे खिलाफ बोल रहे थे, तुम्हारा दिल क्या कह रहा था? जनाब अम्मार कहते हैं, या रसूलल्लाह, दिल तो आपकी रिसालत और आपकी अजमत की गवाही दे रहा था। बस एक मरतबा रसूलुल्लाह कहते हैं कि अब दोबारा अगर फिर पकड़े, फिर कहलवाए, फिर कह देना, तो एक सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो हिदायत और इस्तकामत, हिदायत आसान है, इस्तकामत बड़ी मुश्किल है। कि हिदायत पाने के बाद फिर उसके ऊपर इंसान जमा रहे और उस ईमान से और इस्लाम से खारिज ना होने पाए। वाकरिम नबिल हुदा वाल इस्तकामा, माबूद मुझे हिदायत और इस्तकामत की करामत और इसका रिस्क अता फरमा। तो अजीजाने मोहतरम, तो मालूम यह हुआ कि खुद रिस्क का ताल्लुक जो है वो खाली माल से नहीं है, रिस्क ताल्लुक खाली दौलत से नहीं है, रिस्क ताल्लुक खाली रोजगार कारोबार से नहीं है, बल्कि खुद ये जो इंसान को नेकियों की तौफीक मिलती है ये भी एक रिस्क है। इंसान को जो इबादात की तौफीक मिलती है ये भी एक रिस्क है। इंसान जो अल्लाह का मुती और फरमाबरदार बनता है ये भी एक रिस्क है। इंसान के दिल में जो तहारत पैदा होती है, जो नियत की तहारत होती, नियत की पाकिजगी पैदा होती, ये भी एक रिस्क है। इंसान के अंदर जो हराम और हलाल की पहचान पैदा हो जाती है, ये हराम और हलाल का पहचानना भी एक तरीके का रिस्क है। हिदायत हासिल करना एक तरीके का रिस्क है। इसी तरीके से हिदायत पाने के बाद उसके ऊपर साबित कदम रह जाना ये भी एक रिस्क है। मासूमीन अलैहिस्सलाम के सामने जितने भी अफराद थे, तो उन तमाम अपने चाहने वालों को और असहाब को आप यही ताकीद किया करते थे। खुद मासूमीन अलैहिस्सलाम का नाम लेने वाले तो बहुत थे, लेकिन हकीकत में खुद मासूमीन की विलायत इमामत का इकरार करके उस पर साबित कदम रहने वाले कितने लोग थे, कितने लोग थे? आइम्मा अलैहिस्सलाम का जमाना उठाकर देखिए, अमीरुल मोमिनीन की मजलूमियत नहीं तो और क्या है? जहां 120,000 मजमा कदीर में खुद कह रहा है मन कुंतु मौला फाज़ा अली मौला, रसूलुल्लाह कह रहे हैं जो जिसका जिसका मैं मौला उसके उसके अली मौला, पूरा मजमा कह रहा है कि हाँ बेशक या रसूलुल्लाह हमने कबूल किया, माना, तस्लीम किया आपका हुक्म सर आंखों के ऊपर, मौला अली को मुबारकबाद दे रहे हैं, लेकिन इस विलायत और इमामत पर टिके कितने? इतने भी नहीं थे कि अमीरुल मोमिनीन उनके साथ अपना दिफा करते। नहजुल बलागा में एक अजीब सा जुमला मौला ने दूसरे खुतबे में इरशाद फरमाया है कि जिस वक्त रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद ये हालात पैदा हुए, तो मुझे मैं सोच रहा था कि मैं करूं क्या, इन कटे हुए हाथों से हमला कर दूं और या फिर इन हालात में सब्र सब्र से काम लूं।
और मैंने सब्र को अपनी अक्ल से करीब पाया, लिहाजा मैंने सब्र किया। ये कटे हुए हाथ क्यों कहा मौला ने? कटे हुए हाथ से हमला कर दूं क्या मतलब? इमाम के हाथ तो थे, रसूलुल्लाह के इंतकाल के बाद हाथ तो आपके कलम नहीं हुए थे, हाथ तो थे, हाथ में तलवार तो थी, फिर ये मौला क्यों कह रहे कटे हुए हाथों से हमला कर दो? हाथ थे लेकिन नासिर नहीं थे। जिनको मौला कह रहे कटे हुए हाथ, यानी साथियों का ना होना, नासिरों का ना होना, और इसके लिए मौला ने कहा कि हालत ये थी कि मैंने सोच रहा था कि मैं कटे हुए हाथों से हमला कर दूं और यह भी इन हालात के ऊपर सब्र कर लूं। या इसी तरीके से आप तमाम आइम्मा अलैहिस्सलाम की जिंदगियों पर नजर कीजिए, और खुसन आज जो तारीख गुजरी हमारे दसवें इमाम हजरत इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम, हकीकत में अगर नासिर होते तो क्या इमाम जिंदान में रहते? अगर वाकयन इस्तकामत होती लोगों के अंदर, क्या इमाम के फजाइल और मनाकिब से वाकिफ नहीं थे? क्या लोग जानते नहीं थे कि ये कौन है? सब जानते थे कि फर्जंदे रसूल है, इनका ये मकाम है, ये मर्तबा है, लेकिन इस्तकामत नहीं थी। तो हिदायत और हिदायत के साथ इस्तकामत, इस्तकामत अगर देखना है तो बस एक आई एक जगह आई है और वो है करबला। इस्तकामत किसे कहते हैं? हिदायत के बाद टिके रहना, हिदायत के बाद रुके रहना। हकीकत में करबला में जिस तरीके की इस्तकामत दिखी है उसकी मिसाल नहीं है। असहाब अंसार गोद के पाले, सामने से तीर आ रहे हैं, कभी हाथ बढ़ा रहे हैं, कभी सीने पे ले रहे हैं, किसी की लाश पामाल हो रही है, किसी के सीने में बर्छी का फल लग रहा है, किसी के शाने कलम हो रहे हैं, किसी के आंख में तीर लग रहा है, लेकिन इस्तकामत देखें आप, क्या इस्तकामत थी? और यही नहीं, सामने से बाकायदा खुद लालच दी जा रही है, उनको पेशकश की जा रही है, इधर आ जाओ, देखो ये हाजिर है, ये हाजिर है, ये हाजिर है, लेकिन इसके बावजूद क्या ईमान था, क्या अकीदा था, क्या मारिफत थी, क्या यकीन था उनका कि मैदान में इस तरीके से जमे हुए थे और न सिर्फ ये कि मैदान में जमे हुए थे बल्कि खुद दुश्मनों को ललकार रहे थे, दुश्मनों के अंदर डर आते थे, दुश्मनों के दरमियान में डर आते थे। बाज बाज शुहदा के लिए मिला है कि खुद इस तरीके से हमला किया है उन्होंने दुश्मनों के ऊपर कि गुम हो गए, दुश्मनों में गुम हो गए, नजर नहीं आ रहे थे कि कहां गए। और अब जो मालूम हुआ कि शहादत के बाद लश्कर छटा तो पता चला कि शहीद हो गए, अब पता चला कि कत्ल कर दिए गए। करबला इस्तकामत का एक बेहतरीन मुरक्का है, एक बेहतरीन मिसाल है। मैंने अर्ज किया कि गोद के पाले और खानदान और अजीज अगुरबा तो ठीक, यहां तो असहाब की इस्तकामत भी मिसाल है, नमूना है। जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर, जनाब मुस्लिम इब्ने उसजा, जनाब ज़ुहैर इब्ने क़ैन, जनाब सईद, जनाब वहब कल्बी, जनाब जॉन, ये सब मिसालें हैं, ये सब नमूने हैं। और जहां इस्तकामत उनके यहां दिखी, करबला की ख़वातीन, जनाब वहब कल्बी के लिए क्या मिलता है? जनाब वहब कल्बी इमाम जब आ रहे थे, अभी ताजे मुसलमान है, आम तौर से कहा जाता है तो ताजे ताजे मुसलमान है, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बदल जाए, कहीं फिर पलट ना जाए, लेकिन वाकया यानी एक मुलाकात ने इमाम हुसैन की उनको कहां पहुंचा दिया था, उनका ईमान किस मंजिल के ऊपर था, उनका यकीन किस मंजिल के ऊपर था। आप उनकी वालिदा के ईमान को देखें कि जिस वक्त जनाब वहब कल्बी मैदान में आए हैं और जंग करते करते वो मौका भी आया कि जब एक मरतबा वहब कल्बी घोड़े से गिरे, जैसे ही वहब कल्बी घोड़े से गिरे एक मलून आगे बढ़ा, उसने वहब कल्बी के सर और तन में जुदाई की। जौजा और माँ दर खैमा पर खड़ी हुई देख रही थी, एक मरतबा जौजा ने एक मरतबा मैदान का रुख किया
और मैदान का रुख करने के बाद चाहा कि दुश्मनों के ऊपर हमला करे। इमाम ने आवाज दी, भैया अब्बास देखो रोको इसको। एक मरतबा माँ आगे बढ़ी, जैसे ही माँ आगे बढ़ी इन मलूनों ने वहब के सर को माँ की तरफ फेंका। जल्दी से माँ ने जमीन से वहब के सर को उठाया, खाक को साफ किया, पेशानी को बोसा दिया और ये कह के एक मरतबा उसी सर को फिर दुश्मनों की तरफ फेंक दिया कि जो चीज हम राह खुदा में कुर्बान कर देते हैं उसे फिर हम वापस नहीं लेते। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज ज़ालिमीन سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها بار لها شب جمع رجب المرجب تیری بارگاہ میں ہم سب گنہگار اور خطاکار حاضر ہیں۔ معبود ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، دشمنان اسلام اور دشمنان تشیع کو ذلیل خوار اور نیست تو نابود فرما۔ معبود جو مومنین مریض ہوں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہوں گے قرضوں کو ادا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرما۔ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ معبود ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انك انت السميع العليم۔